बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोतक पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आप देख रहे हैं किस्मत के पत्ते। आज के दिन क्या कुछ खास जाएगा ये मैं आपको बताऊंगी और बताऊंगी एक दिव्य उपाय जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं आज के दिन की राशियों का हाल, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। पहली राशि मेष राशि वालों, आज के दिन थोड़ा लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। किसी विवाद में पड़ सकते हैं और ये विवाद लंबा चल सकता है। विवादों की उलझने आपको घेर कर रख सकती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद हो, काम से संबंधित विवाद हो, घर में विवाद हो, ऑफिस में विवाद हो, तो इन सब जगहों पर जैसे ही विवाद शुरू होता है हट जाएं। कई बार क्या होता है कि हम अपने झगड़ों में नहीं फंसते लेकिन किसी और को बचाने के लिए फंस सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और की सहायता करने जाएं लेकिन आप खुद ही फंस जाएं और विवाद लंबा चले, जिससे कि आपकी मित्रताएं आने वाले समय में खराब हो जाएं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों का रखना है। मन में कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है चीज़ें जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे हैं जाएं वो ना जाएं। आपको उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मित्र आपका साथ दें या सहयोगी साथ दें, या फिर कहीं ना कहीं हताशा महसूस हो रही होगी, छोटी छोटी उलझने घेरेंगी। कहीं ना कहीं मन करेगा जीवन के जो गहरे अर्थ हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है ये सब समझने का, तो इन गहरे अर्थों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। यानी कि डिसअपॉइंटमेंट्स आपको आज के दिन छोटी चीज़ों में महसूस होंगे और हो सकता है तनाव का स्तर बढ़े। ऐसे समय पर मेडिटेट करें, योग करें, प्राणायाम करें, आपके लिए बेहतर जाएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों, आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा। कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये दिन बिल्कुल श्रेष्ठ है इन सब कामों के लिए। आगे बढ़कर अपने काम को पूर्ण करें, एक कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। एक अच्छी पार्टनरशिप के योग नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। टोटल मैं कहूँगी इस समय आपका लाभकारी जाएगा मिथुन राशि वालों। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कार्ड बहुत बढ़िया आया है। बहुत दिनों से किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे यदि आप, कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिले, तो समझ लीजिए ये दिन आप ही के लिए है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, अर्थ धन से संबंधित मौके आपको मिलेंगे, नौकरी से संबंधित मौके मिलेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आपके ऊपर ध्यान बनाकर हैं, यानी कि चीज़ें अपने आप नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहयोग या ध्यान आपके ऊपर लगा हुआ है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से मदद के रूप में परिवर्तित होगा। तो आने वाला समय आपका अच्छा जाएगा। ये तो था कर्क राशि वालों का हाल। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। आज के दिन थोड़ा सा शांत रहें तो बेहतर रहेगा। यानी कि शांति बना के रखनी है। शांति कैसे? बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में किसी निर्णय तक नहीं पहुंचना है। बहुत जल्दी किसी व्यक्ति विशेष से किसी भी काम को लेकर उम्मीद नहीं करनी है। एक होता है ना इंस्टेंट डिसीशंस ले लेना, स्पॉन्टेनियस डिसीशंस ले लेना, ऐसे काम नहीं करने हैं। चीज़ें जिस प्रकार हैं उन्हें वैसे ही संभाल कर चलें। बहुत ज़्यादा उछल कूद, जिसे कहते हैं ना एक इनडिसाइसिवनेस बनी रहे तो बेहतर रहेगा। जहाँ आप बैठे हैं उसी को मेंटेन करना, यानी कि जिस कार्य में आप हैं, ऑफिस से संबंधित, करियर से संबंधित निर्णय इस समय नहीं लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, बहुत शानदार दिन नज़र आ रहा है। आपको धन से जुड़े मौके मिलेंगे। कहीं से पुरानी पेमेंट्स आ सकते हैं जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए, जो लोग काम करते हैं बिजनेस में हैं उनके लिए फ़ायदे आज के दिन नज़र आ रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं, अप्रेजल का टाइम हो सकता है, या फिर कहीं से इंक्रीमेंट मिलने की चांसेस हैं, या काम को सराहा जाएगा, कोई ना कोई एक ऐसी खबर जो कि आपके दिन को बेहतर बना देगी आती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, मानसिक तनाव आज के दिन थोड़ा सा घेर के रखेगा। आपको विचारों में स्पष्टता लानी, मेंटल क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, छोटी उलझने आज के दिन घेरे। किसी भी काम को करने के लिए आपको मेहनत पहले से कहीं अधिक करनी पड़ेगी, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि बहुत आराम से काम हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब तक आपके प्रयास अच्छे नहीं होंगे काम आपके पूर्ण नहीं होंगे, यानी कि कई बार आपको डबल प्रयास भी करने पड़ सकते हैं जो कि अच्छा रहे। मैं कहूँगी कि बहुत लाइटली ना लें आज के दिन। हो सकता है कि किसी प्रकार का मेंटल डिस्टर्बेंस हो, चीज़ों को अवॉइड करें जो कि आपको तनाव में लेकर जाती हैं।
बात करते हैं हम स्कॉर्पियोज़ की। स्कॉर्पियोज़ फाइनेंशियली दिन 50-50 अच्छा है, यानी कि बहुत ख़ास नहीं, बहुत ख़राब नहीं, जैसी परिस्थिति थी वैसी ही बनी रहेगी। एक आर्थिक संतुलन बनाना बेहद आवश्यक है, आपको धन से जुड़ा हुआ संतुलन बनाना बेहद आवश्यक है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कि आप गौर फरमाएं और ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैं कहूँगी टाइम आपका अच्छा जा रहा है, लेकिन हाँ, धन से जुड़े किसी मौके के प्रति यदि आप ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर जाएगा। बात करते हैं अब धनुराशि वालों के बारे में। धनुराशि वालों, आप भी मेहनत बहुत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम मन के हिसाब का नहीं मिल रहा है, ये आपके लिए फिलहाल तनाव का कारण है। आपको सही दिशा समझनी, जो कि आपको रिजल्ट तक ले जाए, ये जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप समझ गए कि किस दिशा में चीज़ें आपके लिए सही जाएंगी, उस दिशा में आप प्रयास करें, आपके लिए अच्छा जाएगा। ओवरऑल मैं कहूँगी प्रयासरत रहना बेहद आवश्यक है, लेकिन डायरेक्शन समझना फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है, तो मेहनत फेल ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें धनुराशि वालों। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। मकर राशि वालों, चलिए जान लेते हैं आपके कार्ड्स आज के दिन क्या कह रहे हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स है, इसे एम्प्रेस कहते हैं। आज के दिन महिला वर्ग का पूर्ण सहयोग नज़र आएगा, आपको मदर संबंधित जितने भी लाभ मिल सकते हैं वो मिलेंगे, यानी कि माँ के घर का सुख मिलेगा। यदि आपकी मदर नहीं है तो मदर जैसी कोई महिला जो कि आपका ध्यान रखती हैं, आपकी केयर करती हैं, आपके जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम, एक आधारशिला हैं, उनका पूर्ण सहयोग आज के दिन प्राप्त होगा, जो कि मन को एक अलग संतुष्टि देगा। अधूरे कार्य पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं वो फैमिलीज़ को आज के दिन एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जाएगा, मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। बात करते हैं अब अगली राशि क्या कह रहे हैं अक्वेरियंस के कार्ड्स। अक्वेरियंस, आपको इस समय सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, एक शिक्षा से संबंधित निर्णय आप ले सकते हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित, खासकर अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे, क्वालिफिकेशंस पे वर्क करेंगे, क्योंकि आपका जो एम है, एम्बिशन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपकी कमियाँ क्या हैं, उसको एनालाइज करके आप उस गैप को फिल करें और आगे बढ़ें, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। ओवरऑल मैं कहूँगी आज का दिन अच्छा जाएगा, मेहनत का है, आगे बढ़ने का है और डायरेक्शन का है। अंतिम राशि मीन राशि जो करती है सबसे ज़्यादा इंतज़ार, कार्ड बहुत ज़बरदस्त आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया घूम रहा है और ये घूमते हुए मेजर बदलाव का इंडिकेशन दे रहा है। जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे जो कि आपके लिए अच्छे रहेंगे। ये बदलाव बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, एकदम ओपन भी आ सकते हैं और शांतिपूर्ण से भी तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक नए अध्याय के, जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का इंडिकेशन है। ओवरऑल आज का दिन आपका अच्छा जाएगा, बहुत ज़बरदस्त जाएगा, शानदार जाएगा, और अधूरे कार्य यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर आगे बढ़िए, टाइम आपका बहुत बढ़िया है। अब जाते जाते आज के दिन का दिव्य उपाय। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा आज के दिन, विशेष तौर पर आज के दिन आप पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालें और केले के पेड़ में चने की दाल ज़रूर डालें, जल में मिश्रित करके। इससे बृहस्पति भी स्ट्रांग होता है और बुध का भी प्रभाव रहेगा। इस समय दोनों ग्रहों का प्रभाव शुभ होना बेहद आवश्यक है, बुद्धि संतुलित होती है, निर्णय सटीक होते हैं और आर्थिक समस्याओं से आपकी जो तनाव चल रहा है या दिक्कतें चल रही हैं वो दूर होती हैं। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल आपके लिए आस्ट्रो तक पर। फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो और अपना खूब ख्याल रखिए।